नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू घर की सहेली। आज मैं लेकर के आई हूँ आलू शिमला मिर्च की एक अनोखी सब्ज़ी। जब भी घर में कुछ समझ में ना आए तो आलू शिमला मिर्च और ये प्याज की सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। दिखने में ये जितनी डिलीशियस और कलरफुल है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है और इसको बनाने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। झटपट से ये सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको छील लिया है और अच्छी तरह से धो के और इनको क्यूब्स में कट कर लिया है इस तरह से, और ध्यान रहे इनको मोटा कट करेंगे। और पानी में मैंने इसलिए रखा है ताकि ये काले ना पड़े, जब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स काट के रख लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीन शिमला मिर्चें लिए हैं, जिनके बीज निकाल करके अलग कर दिए हैं और इनको इस तरह मोटा बड़े टुकड़ों में कट करना है। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और शिमला मिर्च में फाइबर होती है जो कि बहुत ही हेल्दी भी होती है। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिनको बल्ब कट कर लिया, इनके बल्ब्स निकाल लेंगे। और ये कैसे निकाले हैं, ये एक मैंने रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए, एक प्याज को चार टुकड़ों में कट कर लेंगे और ये चौथाई हिस्सा है, ये मैंने बचा के रख लिया था ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह से इसको निकालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से निकाल लेंगे इनके कलियाँ। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसी तरह से सारे प्याज को मैंने अलग बल्ब कर लिया है, इसको बल्ब कटिंग बोलते हैं। और इनका क्रंच, शिमला मिर्च का क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलूओं को मैंने पानी से निकाल करके रख लिया और पानी एकदम ड्राई कर लिया है, क्योंकि इनको हम फ्राई करेंगे तो छींटे उड़ करके ना आए। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, इन आलूओं को तेल में फ्राई कर लेंगे और इनको उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चारों तरफ से ये डार्क ब्राउन कलर के ना हो जाएं। ध्यान रहे ये प्रोसेस सावधानी के साथ करें। ये देख पा रहे हैं, इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए। सो हमारे आलू ऑलमोस्ट 50-70% यहीं पे पक चुके हैं और कलर भी कितना सुंदर आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब इसको निकाल करके अलग रख लेते हैं। मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है, तो इस तरह से कॉपी के जो रफ पेपर्स थे उनको फाड़ के मैंने एक बाउल में रख दिया है, ताकि इनका एक्सेस ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तेल ज़्यादा था तो मैंने निकाल लिया है। थोड़े दो चम्मच तेल में प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। एक मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। तो ये फ्राई हो चुके हैं, एक मिनट तक इन सबको मैंने फ्राई किया है, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। तेल देख पा रहे हैं, इसी तेल में हम की तैयारी कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटा चम्मच जीरा लिया है, साबुत जीरा, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक छोटी इलायची, आधा टुकड़ा दालचीनी, एक तेज पत्ता, इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका फ्लेवर तेल में रिलीज़ ना हो जाए। अब यहीं पे मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, जिनको बारीक कट कर लिया है, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ना फ्राई करें, देखिए ब्राउन हो गया है। अब इसमें एक टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और एक हरी मिर्ची, जिनको रफली कट कर लिया है, तो वो भी ऐड कर दिया है। इसका कच्चापन दूर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहीं पे दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, लाल टमाटर, पके हुए टमाटर हैं, ताकि इनका कलर अच्छा आए, और इनको ग्राइंडर में पीस लिया है, या फिर आप ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस भी कर सकते हैं। एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, एक चौथाई हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी नमक नहीं ऐड किया है। यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून भर के दही, जिनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, ऐसा करने से दही हमारी फटेगी नहीं।
तो ये देखिए अच्छे से फिट गई है। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रेवी में और इसको कॉन्टिन्यूसली चलाते रहेंगे। ऐसा करने से दही कभी फटेगी नहीं और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी बन करके तैयार हो जाएगी। तो इसमें टमाटर है, दही, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आता है, कलर भी। तो कटोरी में थोड़ा दही रह गया था, उसमें 2 चम्मच पानी डाल करके मिक्स करके इसी में मैंने मिला दिया ताकि वेस्ट ना हो। अब यहीं पे मैं स्वादानुसार नमक ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने इस्तेमाल करी है, छोटी चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए अब इसमें हम सभी सब्जियाँ ऐड कर देंगे, जैसे कि आलू और शिमला मिर्च, प्याज। मसाले को जितना ज़्यादा हम भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा सब्जी टेस्टी बनती है। जब तेल और मसाला अलग हो जाए दैट मीन्स हमारा मसाला एकदम बन करके तैयार हो गया है। तो यहीं पे सभी सब्जियों को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि बाद में ठंडी होने के बाद ये थिक भी होती है सब्ज़ी। तो ये देखिए मिक्स कर दिया है मैंने। अब इनको मैं कवर करके पकाऊंगी कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। यहीं पे आप हरा धनिया, मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और 2 से 3 कटी हुई इसमें ऊपर से हरी मिर्चें भी डालें। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, जो हरी मिर्ची का फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है इसमें। यहीं पे 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी ऐड कर दी है। तो ये लीजिए सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। यहीं पे आप नमक या फिर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो ये देखिए ठंडी होने के बाद कलर कितना ज़बरदस्त आया है। सो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है सर्विंग प्लेट पर। तो अब आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चपाती, पराठा और चावल के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व करें, सबके साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और यकीन मानिए इस तरह से आलू, शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे तो जिसको शिमला मिर्च पसंद नहीं है वो भी पेट भर के खाना खाएगा। तो ये देखिए कितनी डिलीशियस कलरफुल सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। तो प्लीज़ मुझे, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।